हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शर्माज। और आज के वीडियो में यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड। इसके साथ इस पर बहुत कलरफुल बैकग्राउंड हम रेडी करने वाले हैं, जो कि हमारी पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो आज के वीडियो में बैकग्राउंड कैसे आप तैयार कर सकते हैं अपनी पेंटिंग के लिए ब्यूटीफुल सा डिफरेंट कलर शेड के साथ, मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं कहूँगी कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कार्डबोर्ड पर फर्स्ट लेयर जैसे अप्लाई करने के बाद में मैं अपने कलर्स का यूज़ करूँगी। अगर आप कार्डबोर्ड पर काम कर रहे हैं तो एजेस को आपका जो वाइट टेप होता है एब्रो टेप उससे सिक्योर कर लें, एंड देन जैसो वन लेयर, उसके बाद आप अपने कलर को अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको जो फर्स्ट शेडिंग दिखाने वाली हूँ वो है ब्राउन एंड वाइट कलर के साथ में। बहुत ब्यूटीफुल सा शेड बनकर तैयार होगा और इस बैकग्राउंड के आप ऊपर कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं। जो बैकग्राउंड हमारा बनकर रेडी होगा आप भी देखकर इसको सरप्राइज हो जाएंगे। होप कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप भी इसे बनाइए ज़रूर। साथ में मुझे टैग कीजिए मेरे फेसबुक पेज पर #creativesharmaz। आप मुझे मेरे इंस्टा पर भी मुझे टैग कर सकते हैं सेम नाम #creativesharmaz से। तो बनाइए मेरे साथ आप भी, और ब्यूटीफुल से बैकग्राउंड आप किसी भी पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको मिक्सिंग का एक सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। जब मैंने वाइट ब्राउन को काफ़ी हद तक मिक्स कर लिया है, बट फिर भी आपको अगर दिखता है कि आपके जो कलर हैं थोड़े से कम मिक्स हुए हैं, तो लास्ट वन आप अपने ब्रश को वाटर में डिप कीजिए, उसको पानी से जो उसका एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर दीजिए क्लॉथ से, एंड देन उसे पूरा स्प्रेड कर दीजिए। तो एक बार में जैसे ही आप पूरा राउंड लेते हैं आपका कलर प्रॉपर से मिक्स हो जाता है। अभी मुझे जो साइड्स हैं वो थोड़े से डार्क में चाहिए हैं, तो मैं फिर से थोड़ा सा ब्राउन इसमें ऐड करूँगी। अगर आप इसे और ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो आप लिटिल बिट इसमें ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। सो आपकी चॉइस है, आप कैसा कॉम्बिनेशन शेड्स बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 शेड्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि डिफरेंट टाइप के कलर के साथ यूज़ करेंगे, और उस बैकग्राउंड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेंटिंग में। सो ये देखिए हमारा जो है फर्स्ट शेडिंग कंप्लीट हो चुका है ब्राउन एंड वाइट के साथ में, बहुत ब्यूटीफुल है। सेकंड वन यहाँ पर मैं अगेन कर रही हूँ, जहाँ पे मैं वाइट लेने वाली हूँ, एंड इसके साथ अगेन मेरा दूसरा कलर होगा जो कि बहुत प्यारा आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पर मैं सेकंड कलर जो यूज़ करने वाली हूँ वो मेरा कलर है टर्कोइश ब्लू। टर्कोइश ब्लू बहुत प्यारा शेड है, इससे भी बहुत अच्छा हमारा एक बैकग्राउंड रेडी होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा टिप ज़रूर देना चाहूँगी। मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है टील ब्लू कलर, बट अगर आप उस कलर को नहीं ख़रीदना चाहते हैं अलग से, या कभी आपको नीड है और आपके पास वो कलर अवेलेबल नहीं है, तो आप उस कलर को बना सकते हैं। कैसे? आपको 3 पार्ट वाइट कलर यूज़ करना है एंड 1 पार्ट टर्कोइश ब्लू ऐड करना है, तो आपका टील ब्लू कलर बनकर रेडी हो जाता है। होप ये टिप आपके बहुत काम में आएगा। सो यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ आपको मेरे कैसे लगते हैं। सो मेरा यहाँ पे सेकंड बेस रेडी हो गया है। थर्ड बेस पे आते हैं। थर्ड बेस में मैं यहाँ पर सैप ग्रीन के साथ काम करने वाली हूँ, और ये भी बहुत अच्छा आपको
एक शेड बनकर तैयार होगा जब आप इससे काम करेंगे तो। सो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा शेड इसमें आ गया, पिस्ता ग्रीन कलर या इलायची का कलर भी आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे जो है वो शेड्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। मिक्सिंग का कुछ टिप्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपका वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलते रहें। और आप अपनी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, नया वीडियो आपके साथ फॉर्म के लिए चाहते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं #creativeSharmaz फॉर फ्री लाइव वर्कशॉप्स। ज्वाइन कीजिए मेरे फेसबुक पेज को, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये 3 बेस हमने यहाँ पर रेडी किए हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ आर्ट फॉर्म्स मैंने इन पर रेडी किए हैं, डॉट मंडाला के साथ में गणेशा ब्यूटीफुल से, और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं जो इन बैकग्राउंड के यूज़ के साथ आप बना सकते हैं। अभी फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है, नवरात्रि, दिवाली, तो आप भी बनाइएगा अपने घर के लिए और मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। टेक केयर।